गावस्कर ने कहा केएल नहीं ये खिलाड़ी होना चाहिए था विकेट कीपर। नमस्कार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज समाप्त हुई है, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज जीतकर अपने नाम की। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। यहां पर 24 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के सभी मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से युवा खिलाड़ी केएल राहुल ने विकेट कीपर की भूमिका निभाई। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी के दौरान ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे, जिसके चलते उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। ऋषभ पंत के टीम से बाहर होने के बाद केएल राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर की जिम्मेदारी मिली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने आगामी मैचों के लिए केएल राहुल के साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर की राय इससे बेहद अलग है। सुनील गावस्कर ने आज तक चैनल के शो के दौरान इंटरव्यू में कहा कि वह अभी ऋषभ पंत को ही विकेट कीपर के रूप में देखना चाहते हैं। सुनील गावस्कर के अनुसार ऋषभ पंत को आगे भी विकेट कीपर के रूप में भारतीय टीम में खिलाना चाहिए और केएल राहुल को बतौर अनुभवी बल्लेबाज खिलाया जा सकता है।